हेलो एवरीवन, तो क्वेश्चन नंबर 16 है मिसलिनियस का, तो उसका स्टेटमेंट है इफ ओ इज द ओरिजिन एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी बी 1, 2, -3 देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट पी एंड परपेंडिकुलर टू ओ पी। देखो क्या कहना चाह रहा है, अगर ओ हमारे पास ओरिजिन है और इस तरीके से इसका डायग्राम बन सकता है एक्स वाई और जेड एक्सिस। ओ अगर हमारा ओरिजिन है और एक प्लेन है जिसकी आपको इक्वेशन निकालनी है और इससे ओ पी P पॉइंट हमारे पास क्या है, प्लेन के ऊपर है, पासिंग थ्रू पॉइंट P है, तो और ये इसके क्या है, परपेंडिकुलर है OP, OP है इसका परपेंडिकुलर है, तो आपको इस प्लेन की इक्वेशन पूछी है इसने। ठीक है, अब देखो सबसे पहले प्लेन का पासिंग पॉइंट हमें इसमें दे रखा है, पासिंग पॉइंट ऑफ प्लेन क्या दे रखा है आपको, P और 1, 2, -3। अगर मैं प्लेन का नॉर्मल वेक्टर निकालूं तो परपेंडिकुलर ही होगा, तो वो हमारे पास क्या पॉइंट आएगा, 0, 0, 0 ओरिजिन, और पी हमारे हमें दे रखा 1, 2, -3। तो मैं इसका नॉर्मल वेक्टर निकाल सकता हूँ ना प्लेन का, तो प्लेन के जो डायरेक्शन रेशो होंगे ए बी सी, वो क्या होंगे, डायरेक्शन रेशो ऑफ प्लेन, क्योंकि जो डायरेक्शन रेशो होते हैं नॉर्मल वेक्टर वो भी प्लेन के परपेंडिकुलर होता है और ओ पी भी प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो इसलिए जो ओ पी के डायरेक्शन रेशो होंगे वही प्लेन के डायरेक्शन रेशो होंगे। तो ए इज इक्वल टू आ जाएगा 1, -0 = 1, बी इज इक्वल टू आएगा y2 - y1 मतलब 2, -0 = 2 और सी इज इक्वल टू -3, -0 = -3। तो हमारे डायरेक्शन रेशो आ गए प्लेन के, ये आ गया पासिंग पॉइंट, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या बनेगी पासिंग थ्रू वन पॉइंट की, ए ब्रैकेट में x - x1 प्लस का बी y - y1 प्लस का सी z - z1 इज इक्वल टू 0। ए की वैल्यू यहाँ पे 1 और x - 1, बी की वैल्यू 2 ब्रैकेट में y - 2 प्लस सी की वैल्यू -3 और ब्रैकेट में z + 3 इज इक्वल टू 0। तो उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, क्या आएगा x - 1 प्लस का 2y - 4 -3z - 9, तो आएगा x प्लस का 2y - 3z और ये 1 और 9 10 और 14 इज इक्वल टू आ गया 14। ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई प्लेन की। ठीक है,